So, hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बिगिनर्स गाइड टू द नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर आप NDA के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको NDA की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, then this video is for you. इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो आपको एनडीए के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी, लाइक एनडीए एग्जाम कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसका, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिक है, जो मैं शेयर नहीं करूंगा इस वीडियो में, बिकॉज मेरे को पता है आपको पता लग ही जाएगी या फिर आपको उन चीजों के बारे में पता होगा, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें, तो एनडीए के ओवरऑल प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं और आपको उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए व्हाइल यू आर बिगिनिंग फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए का जो प्रोसीजर होता है वो चार फेजेस में डिवाइड होता है। कितने फेजेस में? फोर फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। ये फोर फेज होते क्या क्या है? सबसे पहले तो आपका होता है एग्जाम। एग्जाम साल में दो बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए वन और एनडीए टू, ठीक है। एनडीए वन आपका अप्रैल के टाइम पे होता है, एनडीए टू आपका सितंबर के टाइम पे होता है, ठीक है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी। एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट रिजल्ट के टाइम पे आती है और उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है। उनको सेंटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से, ठीक है, जो भी उन्होंने प्रेफरेंस डाल रखी होती है उसके हिसाब से उनको सेंटर्स देते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जो कि एक 5-day प्रोसीजर है। इसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको जानना है एसएसबी के बारे में और तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, बट वो 5-day प्रोसीजर होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी, देख लेना, ठीक है। 5-day प्रोसीजर होता है और जो इन 5-day प्रोसीजर में सेलेक्ट होते हैं यानी रिकमेंड होते हैं इन द 5th डे, उनको क्या कहा जाता है? रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, और उनको फिर मेडिकल्स के लिए सेंड किया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है आपका मेडिकल्स, ठीक है। मेडिकल्स भी 4-5 डे का प्रोसीजर होता है, या इसमें कम या ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, और ठीक है जनरली 4-5 डे का प्रोसीजर होता है। इसमें आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल्स होने के बाद आपको मेडिकली फिट या अनफिट डिक्लेयर करा जाता है। जो अनफिट कैंडिडेट होते हैं उनको फिर फर्दर कुछ मेडिकल प्रोसीजर जाना पड़ता है, लाइक AMB, RMB, ठीक है। सो मेडिकल्स होने के बाद जो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं, फिर मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। फोर्थ आपका जो फेज है वो है मेरिट लिस्ट का। अब मेरिट लिस्ट में नाम तो सबका आता है, बट जो मेडिकल फिट कैंडिडेट होते हैं वही ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी को, अगर वो मेरिट में आते हैं तो, ठीक है। मेरिट लिस्ट में कुछ रैंक्स आती हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ठीक है। सो ये फोर फेजेस होगा आपके एनडीए के लिए, ठीक है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गया एनडीए के बारे में। अब ओके, सो आपको पता लग गया होगा एनडीए के प्रोसीजर के बारे में, पूरा जो चार फेज का प्रोसीजर है एनडीए का उसके बारे में पता लग गया होगा। अब इन चारों फेजों में क्या क्या चीजें करनी है? अगर आप एनडीए की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं एनडीए की प्रिपरेशन की, तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला जो फेज है आपका, सबसे पहली जो चीज है वो आपको करनी है, गेट योर मेडिकल्स डन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो अपना मेडिकल शुरुआत में करा लीजिए। अगर आपको कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी है या फिर आपको कोई परमानेंट बीमारी है या फिर जो आर्मी के लिए परमानेंट रिजेक्शन है, आपको उस चीज का अगर पहले ही पता लग जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज आपके 1 या 2 साल वेस्ट होने से बच सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है, उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है या फिर ऐसे कोई उनका मेडिकल वो होता है केस जो आर्मी के लिए परमानेंट अनफिट होता है, वो उनकी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा बट वो परमानेंट अनफिट होता है। लाइक मेरे केस में था, बट मैं परमानेंट अनफिट नहीं था, बट टेम्पररी रिजेक्शन था वो, ठीक है, और मैं उसे ठीक भी नहीं करा सकता था उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे। तो अगर आपको पहले ही पता लग जाए, या तो आप दूसरी कोई चीज प्रिपेयर करने लग जाओगे, ठीक है, या फिर आप उसे हील करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो, ठीक है, क्योर या हील या क्योर जो भी है, ठीक है। तो अगर आपको आपका मेडिकल जो आपका पॉइंट है वो पता लग जाए पहले, तो आप उसे हील करा सकते हो या फिर ठीक करा सकते हो या सर्जरी अंडर भी कर सकते हो। बिकॉज कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिनमें टाइम बाउंडेशन होती है, लाइक 6 मंथ्स के बाद आप फिट हो सकते हो, सर्जरी के आपके 1 साल बाद आप फिट हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही चीज पता लग जाए एनडीए की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप आराम से सर्जरी कराओ और फिर अपना एग्जाम दो, ठीक है। सो गेट योर मेडिकल्स डन, इससे आपका एक बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत कम लोग बताते हैं, बट अपना मेडिकल सबसे पहले करा लीजिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। डरना मत, बस करा लो, पता लग जाएगा। अगर नहीं हो पा रहे हो तो यार ये सच्चाई आप एक्सेप्ट कर लो पहले, बाद में आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। किसी और चीज की प्रिपरेशन करो, उसमें पूरा फोकस लगाओ। सो गेट योर मेडिकल्स डन फर्स्ट चीज है, ठीक है। मेडिकल्स होने के बाद अगर आप फिट डिक्लेयर है, अगर आपको लगता है आप फिट है बिल्कुल प्रॉपरली, आपके हर चीज फिट आ रही है, उसके बाद आप एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर नहीं भी आ रही और आपको पता है कि वो ठीक हो जाएगी 6 से 1 साल में,
तभी भी आप एनडीए की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको पक्का पता है कि ठीक हो जाएगी, ठीक है। बट पक्का कर लेना पहले, फिर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जो एनडीए का पैटर्न है वो समझ लेना सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एनडीए का जो रिटर्न है आपको सबसे पहले उसकी तैयारी करनी है, और साइड बाय साइड एसएसबी की तैयारी करनी है, बिकॉज यू आर अ बिगिनर। अब अभी आप सब हर चीज कर सकते हो, एग्जाम आने से पहले आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न एंड एसएसबी को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करना है, दैट आई विल टेल, ठीक है, व्हाइल यू आर अ बिगिनर। सबसे पहले तो रिटर्न में मेरे पास दो रूल फॉलो करता था, दो रूल है मेरे पास, ठीक है। एक है, फर्स्ट रूल है, इट इज 2 आवर पर डे रूल, 2 आवर पर डे रूल, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है, रिटर्न के लिए। एंड रूल नंबर 2 है मेरा, जो मैं फॉलो कर सकता था, मतलब दो रूल थे मेरा, ऑप्शन थे और है, ठीक है। इसमें था मेरा 4+3 रूल, 2 आवर पर डे रूल एंड 4+3 रूल, बहुत ही मैं जो यूज करता था वो दो रूल थे, ठीक है। मैंने 4+3 रूल बहुत बता रखा है अपनी वीडियोस में, एंड 2 आवर पर डे रूल भी मैं फॉलो करता था। ये वाला रूल मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माय 11th क्लास, एंड ये वाला रूल मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माय 12th क्लास, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो 2 आवर पर डे रूल कहता है कि आपको दिन में 2 घंटे निकालने। अब वो 2 घंटे आएंगे कब कब, इट इज 1 आवर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आपको क्या करना है, जीएटी पढ़नी है, 1 आवर इन द मॉर्निंग आपको जीएटी पढ़नी है हर दिन। अब ये 2 आवर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 2 आवर प्लस है, बट मैं मिनिमम 2 आवर बता रहा हूँ, हर दिन मिनिमम 2 आवर होना चाहिए। 1 आवर इन द मॉर्निंग आपको जीएटी पढ़नी है स्कूल जाने से पहले, या फिर आप स्कूल में कवर करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट 1 घंटा आपको सुबह जीएटी पढ़नी है। सेकेंड, जो दूसरा घंटा होता है आपको, उस घंटे में पढ़ना है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। अभी मैथ्स पढ़नी कब है, ये रात को पढ़नी है, ठीक है, कभी भी दोपहर या शाम को, दोपहर या सुबह नहीं पढ़नी, रात को पढ़नी है मैथ्स सोने से पहले, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस करने ज्यादा फोकस, ठीक है, और वीडियोस देख के क्वेश्चंस करो, चाहे आप जो वन शॉट वीडियोस हैं वो देखो, या फिर आप प्रॉपर वीडियोस देखो जो आपने कोर्स ले रखा है, उसके हिसाब से आपको 1 घंटा रात को क्वेश्चन जरूर करने हैं। और ये हटके है बोर्ड से आपके, 11th वाली स्टडीज को मिक्स नहीं करना, इससे कि 2 घंटे 11th का पढ़ लिया, हो गया 2 घंटे वाला रूल कंप्लीट। इसमें सिर्फ 1 घंटा जीएटी, पूरा 1 घंटा जीएटी पढ़ना है, और पूरा 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, वो भी एनडीए वाली मैथ्स, ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम 11th का कोर्स पढ़ लग जाओ, एनडीए वाली मैथ्स है, ठीक है, ये आपको करना है ये चीज, ठीक है। अब एसएसबी की तैयारी साइमल्टेनियसली कैसे करनी है, एसएसबी की तैयारी साइमल्टेनियसली करनी जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे पहले आपको 2-3 चीजों में फोकस करना है, एक अपनी स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि अगर आप गंदी स्पोकन इंग्लिश के साथ या वीक स्पोकन इंग्लिश के साथ एसएसबी इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, बिकॉज देयर यू विल सी मेनी कैंडिडेट्स हु आर स्पीकिंग वेरी वेल, ठीक है, वेरी फ्लुएंटली, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है, यार मैं इनसे कम्पीट कैसे कर पाऊंगा। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अगर अच्छी होगी, फ्लुएंट होगी, तो आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस होगा, यार मैं इनसे कम्पीट कर सकता हूँ, मैं इनसे बेटर हूँ, या फिर मैं इनके इक्वल हूँ, ठीक है, सो आप वो कह सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज इज जनरल नॉलेज, ठीक है, वहां आप अपनी जनरल नॉलेज ब्रैक कर सकते हो, वहां पे ऐसे टेस्ट होते हैं जहां आपकी जनरल नॉलेज ही आपकी हेल्प करेगी, लाइक ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चर एड, ठीक है, इन एसएसबी जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें भी, ठीक है, यू कैन मतलब गेट गुड एडवांटेज इफ यू हैविंग गुड जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें करना कैसे अब, ठीक है। तो अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करूं तो इसमें मैं एक ही रूल फॉलो करता था, दैट इज कि हर दिन आई टेक वन टॉपिक, एक टॉपिक लो और उस पे सुबह से शाम तक प्रिपेयर करो, उस टॉपिक पे सुबह से शाम तक प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करना मतलब एक सेपरेट कॉपी बना लो इसके लिए, एक सेपरेट कॉपी बनाओ, हर दिन एक टॉपिक सुबह लो और उस पे पूरे दिन प्रिपेयर करो, नेट से देखो, कहीं से देखो, किसी भी वेबसाइट से देखो, उस टॉपिक पे पूरा लिखो उस कॉपी के अंदर, शाम को मिरर के सामने जाओ और उस कॉपी के से देख के, शुरुआत में जब आप शुरुआती फेज में, उस कॉपी से देख के बोलो इंग्लिश में, ठीक है, चाहे कितना भी गलत बोल रहे हो देख देख के बोलते रहो, या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखो और फिर अपने एक्सप्रेशन देखो क्या क्या आपको इंप्रूव करना है। ऐसे अगर आप रोज करते हो, रोज एक हर दिन एक टॉपिक लेना, कॉपी में नोट करना, उसके बाद अपना बोलना, तो इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी। क्या वो टॉपिक ले रहे हैं वो जनरल नॉलेज का टॉपिक है और आपके पास वो जो कॉपी बनाई है आपने उसमें वो टॉपिक आ गया है,
और आप जब SSB देने जा रहे होंगे तो आपके पास वो टॉपिक्स होंगे बहुत सारे, तो आपको बार बार प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आपको दो टाइप की जनरल नॉलेज होती है, एक आपकी जो नॉर्मल जनरल नॉलेज होती है और एक डिफेंस नॉलेज होती है, ठीक है। डिफेंस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक जनरल नॉलेज होती है और एक डिफेंस नॉलेज होती है। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिफेंस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस नॉलेज के लिए क्या करो कि रोज डिफेंस स्क्वाड और एक इंडियन डिफेंस अपडेट नाम का चैनल है, डिफेंस स्क्वाड SQUAD स्क्वाड एंड इंडियन डिफेंस अपडेट्स, इंडियन डिफेंस अपडेट इंग्लिश चैनल है, डिफेंस स्क्वाड हिंदी चैनल है, इनको आप देख सकते हैं। इनसे आपको डिफेंस नॉलेज मिल जाएगी, रोज की इनकी एक एक वीडियोज आती हैं, वो जरूर देखो, उसमें डिफेंस अपडेट्स होते हैं, ठीक है। वो आपको काफी मोटिवेट भी करेगी और आपको थोड़ा अवेयर बनाएगी अबाउट योर आर्म फोर्सेस। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप कुछ अच्छे चैनल फॉलो कर सकते हैं, लाइक जो संसद TV है, दैट इज अ वेरी गुड चैनल। उसमें बहुत सारी डिस्कशन होती है, हेल्दी डिस्कशन, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं ऑफ IIT IIMs, ठीक है। और वहां पे आपको जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं, उन पर डिस्कशन मिल जाते हैं, जो आपकी ग्रुप डिस्कशन में काफी हेल्प करेगा और आपको अवेयर बनाएगा अबाउट योर सराउंडिंग, ठीक है। सो ये चीजें आपको करनी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एंड SSB। दिस वॉज द बिगिनर्स गाइड टू NDA। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग रिटन प्रिपरेशन एंड SSB प्रिपरेशन एज अ बिगिनर, तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मैं इसका Part 2 भी ले आऊंगा, जिसमें मैं रिसोर्सेज बताऊंगा कि आपको NDA के बिगिनर्स को रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, उसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।